बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में स्टेट केस और स्टेट केस संबंधित बड़ी खबर आपको दे दे। केस पटना हाई कोर्ट में डिसमिस हुआ है। जी हां, अभी की सबसे बड़ी खबर स्टेट केस CWJC 8278 केस। पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई। 6 नंबर पर लिस्टेड अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में केस और केस डिसमिस हुआ है। माननीय न्यायाधीश द्वारा ये कहते हुए केस को डिसमिस किया गया कि बोर्ड द्वारा कमेटी का गठन किया गया और कमेटी उचित निर्णय ले सकती है परीक्षा के प्रावधानों पर और आगे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही रिजल्ट प्रकाशित करने की बात सामने आ रही है। अभी अभी ये बड़ी खबर आई पटना हाई कोर्ट से कि पटना हाई कोर्ट में एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों का केस CWJC 8278 डिसमिस हो गया है। आपको बता दें कि आज दो बड़े केस पटना हाई कोर्ट में लिस्टेड हैं। पहला केस CWJC 8278 का हाल आपने देख लिया। इसके अलावा एक और केस 8520 CWJC 8520 आदित्य प्रकाश द्वारा किया गया केस और ये केस 23 नंबर पर लिस्टेड है। ऐसे में अभ्यर्थी ये कयास लगा रहे हैं कि CWJC 8520 केस जो सिलेबस को लेकर उस केस में भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हम आपको बता दें कि BSEB को सीधे तौर पर लाभ दिया गया है। एस्टेट 2019 में गणित के अभ्यर्थियों द्वारा जो बड़ा केस किया गया था, केस हाईकोर्ट पटना ने डिसमिस किया है। अभी अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है कि 6 नंबर पर लिस्टेड केस डिसमिस हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों अनिल कुमार उपाध्याय के द्वारा एक ओरल ऑर्डर भी जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि पेटिशनर द्वारा रिज्वाइंडर फाइल किया जाए। रिज्वाइंडर फाइल होने के बाद आज सुनवाई की बात थी और आज अगर रिज्वाइंडर फाइल नहीं होगा तो सुनवाई में गतिरोध आ सकते थे, ऐसा पहले से था। और शायद ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिज्वाइंडर फाइल नहीं किया गया पेटिशनर के द्वारा और ऐसे में केस डिसमिस हुआ है। पटना हाई कोर्ट में आज केस 6 नंबर पर लिस्टेड था। इस बीच आपको बता दें पिछले दिनों जो ओरल ऑर्डर आया था रिज्वाइंडर फाइल करने को लेकर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं केस संख्या 8278 जो कि 6 नंबर पर लिस्टेड था। इसके अलावा एक और केस है CWJC 8520। कुछ ही देर में CWJC 8520 केस का फैसला भी आ सकता है। 23 नंबर पर केस लिस्टेड है और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में केस है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज सिलेबस मुद्दे पर उस केस में भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि इस केस के डिसमिस होने के बाद केस संख्या 8520 पर भी इस केस के फैसले का असर हो सकता है। देखना यह कि जस्टिस अमानुल्लाह अब क्या बड़ा फैसला लेते हैं। पटना हाईकोर्ट में 2 से 2:30 बजे के बीच में 23 नंबर पर लिस्टेड केस की सुनवाई होने की संभावना है। आगे जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।